हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं आलू मेथी की सब्जी बिल्कुल नए तरीके से, जिससे कि ये खाने में बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर उसे ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है पूजा और आप देख रहे हैं किचन भंडार यूट्यूब चैनल। आलू मेथी की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो मेथी लिया है, जिसे मैंने अच्छे से धुल कर और इसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है। ये देख सकते हैं फ्रेंड, इसी से कसूरी मेथी बनता है, वही वाले हमने मेथी लिए हैं। तो जो इसके मोटे वाले डंठल होते हैं उसे हमने हटा दिया है, ये इस टाइप वाले जो डंठल होते हैं इसे हटा देना है। हमने इसे एक इस तरह से जाली वाले में रखा है, जिससे कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए। और साथ ही यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिसे मैंने छीलकर और इसे मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। तो इसे भी हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। और साथ ही मैंने यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें ली हैं, जिसमें मैंने यहाँ पर 8 से 9 लहसुन की कलियाँ ली हैं, जिसे मैंने छील लिया है। और साथ ही मैंने यहाँ पे 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। और यहाँ पे हमने 2 टमाटर लिए हैं, तो ये हमने एकदम लाल और देसी वाले टमाटर लिए हैं। तो फ्रेंड हो सके तो आप देसी वाले ही टमाटर लीजिएगा, इससे आपकी सब्ज़ी बिल्कुल कड़वी नहीं लगेगी, क्योंकि देसी वाले थोड़े खट्टे होते हैं। अगर आपके पास देसी वाले नहीं हैं तब 1 टमाटर को और बढ़ा लीजिएगा। किसी भी कड़वी चीज़ में अगर आप खट्टा डालोगे तो उसका कड़वापन कम हो जाता है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर देसी टमाटर लिया है। और साथ ही मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च ली है। तो क्या करेंगे कि हरी मिर्च को लंबा लंबा इस तरह से कट कर लेंगे, टमाटर को भी हम बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे, साथ ही लहसुन को फाइन चॉप कर लेंगे और अदरक को भी चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को कट कर लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने गैस पर एक कढ़ाई लिया है। अब हम इसमें लेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। जी हाँ, घी में बनाने से क्या होगा, जो मेथी का कड़वापन टेस्ट है वो कम हो जाएगा। अगर आप इसे सरसों के तेल में बनाएंगे तो ये और भी कड़वा लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है। किसी भी कड़वी चीज़ में अगर आप उसमें फैट और खट्टापन डालोगे तो वो कड़वेपन को दूर कर देता है, इस वजह से हमने यहाँ पे घी लिया है। और घी को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा घी गर्म हो गया है, तो इसमें हम 1 छोटा चम्मच खड़ा जीरा डाल देंगे और इसे हल्का सा भून लेंगे, जिससे कि घी में जीरे का फ्लेवर बहुत अच्छे से आए। तो जीरा हमारा भुन गया है, तब इस टाइम हम इसमें कटे हुए आलू को डाल देंगे। और आलू को डालकर हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए भुनेंगे, या तब तक जब तक कि हमारा आलू हल्का सा भुन न जाए। तो इस सब्जी को बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है, जो भी टाइम लगता है बस आलू को भुनने में, मेथी तुरंत भुन जाती है। तो बस हमें आलू को थोड़ा सा पका लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड कि हमारा आलू हल्का फ्राई हो गया है, इसका कलर हल्का चेंज हो गया है। तब हम इस टाइम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इसे भी हम 1 मिनट के लिए भून लेते हैं आलू के साथ। तो यहाँ पे हमने हल्दी और मिर्च के साथ आलू को भून लिया है। तब इस टाइम हम इसमें चॉप किया हुआ हरी मिर्च, चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन को डाल देंगे, और इसे भी हम 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। अगर आप प्याज डालना चाहते हैं फ्रेंड, आलू को डालने से पहले आप प्याज को हल्का फ्राई कर लो, फिर उसमें आलू को डालो। पर मैं यहाँ पे प्याज नहीं डाल रही हूँ, बिना प्याज का ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा अदरक लहसुन अच्छे से भून गया है, तब इस टाइम हम इसमें मेथी को डाल देंगे। और साथ ही चॉप किया हुआ टमाटर, और टमाटर हमारा गल जाए इसके लिए हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है, मैं यहाँ पे 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को एडजस्ट कर सकते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आलू भुना हुआ है, तो बस मेथी को हमें पकाना है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेथी में पानी होता है, उसी से ये हमारा अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तब हम क्या करेंगे कि इसे कवर करके 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। इससे क्या होगा कि जो मेथी से पानी निकलेगा वो आलू को अच्छे से पका देगा। तो 4 मिनट बाद हमने इसे खोल लिया है, और आप देख सकते हैं फ्रेंड कि मेथी ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। तो
तो इसलिए हमने कहा था कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा। अब हमें इसे कवर करने की ज़रूरत नहीं है, मेथी भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, तो बस हमें इसे इसी तरह से थोड़ा सा और पका लेंगे जब तक कि पानी अच्छे से सूख ना जाए। तो एक बार इस तरह से आलू मेथी की सब्जी बनाकर देखिएगा फ्रेंड, बिल्कुल कड़वा नहीं लगता और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, पानी अच्छे से सूख गया है और मेथी आलू हमारा अच्छे से पक गया है। चलिए मैं आपको एक आलू को मैश करके दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड, आलू इजीली मैश हो जा रहा है, इसका मतलब कि हमारा आलू अच्छे से पक गया है। तो ये हमारी आलू मेथी की गर्मा गर्म सब्जी बनकर रेडी है। चलिए फटाफट से इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इसे रोटी पराठा या चावल दाल के साथ खाइए, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड, और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो एक बार इस तरह से बनाकर ट्राई कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।